सम्या बाबू वीडियो ऑन कीजिए। सम्या क्या हो गया सम्या? नहीं, हाँ, उनका देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हो, परसेंटेज बाबू, परसेंटेज मोर देन, परसेंटेज लेस देन, परसेंटेज कंपैरिजन, परसेंटेज कंपैरिजन बता रहे थे ना बाबू। जैसे क्या बता रहे थे बाबू, जैसे बता रहे थे वो ए इज बाबू व्हाट परसेंट, हम लोग कल क्या पढ़े बाबू, ए इज व्हाट परसेंट बाबू, व्हाट ए इज बाबू, ए इज बाबू, ए बी ए इज बाबू, व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट, मोर देन, मोर देन, मोर देन, मोर देन बी, मोर देन बी, मतलब क्या करा बाबू, ठीक है ना। ए बाबू कितना प्रतिशत ज्यादा है बी से, तो इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे, तो मोर देन या लेस देन रहेगा, तो हमेशा क्या लेना, डिफरेंस लेना, मोर देन रहे चाहे लेस देन लेना, हमेशा क्या लेना, डिफरेंस लेना, डिफरेंस लेना है ना, डिवाइड बाय, यहाँ मोर देन कह रहा है ना, मोर देन कह रहा है ना, तो इन दोनों में जो छोटा वैल्यू होगा, ये दोनों में जो छोटा वैल्यू होगा, छोटा वैल्यू होगा है ना, छोटा वो लेना, लेस वैल्यू लेना, लेस वैल्यू लेना। और परसेंटेज कह रहा है, एज भाट परसेंट कह रहा है, तो भाट परसेंट कह रहा है, तो मल्टीप्लाई हंड्रेड कर देना, मल्टीप्लाई हंड्रेड कर देना है ना, और यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा देना। ये बताए थे, ये कल बताए थे ना, कल बताए थे, ठीक है ना। इसी में कहता बाबू कि मान लो ए इज भाट परसेंट लेस देन बी है ना, तो ए इज अगर भाट परसेंट लेस देन बी, चाहे बी इज भाट परसेंट लेस देन ए, अगर उल्टा कहता बी इज भाट परसेंट लेस देन बी, अगर कह देता लेस देन बी कह देता, तो यहाँ पे लेस है ना, तो सब चीज वही रखना, वही रखना, यहाँ पे क्या कर देता, बड़का वैल्यू ले लेता, मोर वैल्यू ले लेता है, जो ज्यादा रहेगा दोनों में, जो ज्यादा रहेगा है ना, यही कंसेप्ट पे अभी कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यही कंसेप्ट पे, इसी कंसेप्ट पे हम लोग कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे है ना, क्वेश्चन कर डालेंगे, क्वेश्चन कर डालेंगे, ठीक है। ये कल हम लोग पढ़े थे है ना, चलो अच्छी बात है, ठीक। नेक्स्ट, तब इसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। धर्मवीर आया, धर्मवीर बाबू, धर्मवीर गुड मॉर्निंग सर। हाँ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, लेट का हो गया बाबू, 5 मिनट, 6:35 से क्लास है बाबू, 5:30 से क्लास है, 5:35 से नहीं है। एक बार हम कभी लेट गए थे बाबू, तो हमको इतना डांट पड़ा था, मान लो 10 बजे से क्लास है, गए 10:15, तो टाइमिंग 10 बजे ना, 10:15 थोड़ी है, 5:30 का मतलब 5:30 होता है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन हुआ था बाबू सोम्या? नहीं सर, एक भी नहीं हुआ था, नहीं हुआ था बाबू, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बाबू है ना, 50 इज बाबू, क्या लिखेंगे बाबू, 50 इज बाबू व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट, आप कल करवाए थे सर, व्हाट परसेंट मोर देन 20, क्या है सुनो, नहीं पढ़ दी, एक क्वेश्चन हुआ था सर, यस सर हुआ था, अच्छा चलो ठीक है। 50 इज बाबू व्हाट परसेंट मोर देन, मोर देन बाबू, मोर देन बाबू, मान लो 40 ले लेते, 40 ले लेते, पहला नंबर करो, करो जल्दी करो, उसी प्रकार बाबू 40 इज बाबू व्हाट परसेंट, व्हाट परसेंट लेस देन, लेस देन 50, नेक्स्ट थर्ड नंबर बाबू, थर्ड नंबर व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज, व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज, व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 10, जल्दी करो। सौरभ बाबू लिखना, नहीं तो ढूंढ देंगे इस बार। शिवांगी वीडियो ऑन कीजिए, शिवांगी अभी सतीश सर पहले का आएगा 20%, अच्छा सर, हाँ बाबू सर 25% नंबर 2 में क्या लिखते हैं सर, 40% व्हाट परसेंट, अरे बाबू 40 इज बाबू व्हाट परसेंट, 40 इज व्हाट परसेंट सर, नंबर 2 का भी 20 आएगा, देखिए बाबू बनाते बनाते है ना, देखिए बनाते सर, फर्स्ट का 25 है, मतलब सर 40 से बाबू 50 ज्यादा है, 40 से 50 तो ज्यादा है ये तो सब जानता, लेकिन कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितना प्रतिशत ज्यादा, क्या करा, 50 इज भाट परसेंट मोर देन 40, 40 से 50 तो ज्यादा है ही है, लेकिन कितना प्रतिशत ज्यादा, परसेंटेज पूछ रहा, तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे है ना, डिफरेंस लेंगे,
डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बाबू, मोर कह रहा है, मोर कह रहा है तो हम लोग लेस वैल्यू लेंगे, लेस वैल्यू लेंगे, लेस वैल्यू लेंगे, लेस वैल्यू लेंगे। परसेंटेज कह रहा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि परसेंटेज कह रहा है, यहाँ परसेंटेज का सेम बोल दो। नेक्स्ट बाबू, तो डिफरेंस कितना होगा सर, 10 का डिफरेंस होगा, दोनों में अंतर कितना है 10 का। लेस वैल्यू क्या है सर, 40 है, 50 से 40 में 40 है, और ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा परसेंटेज होगा। कौन सा इसमें रॉकेट साइंस था सर, 10 बाबू है ना, ये 10 इधर सर आई, 4 से बाबू 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा है ना। मतलब कितना 50 बाबू 40 से कितना प्रतिशत ज्यादा है, डेफिनेटली सर 25% ज्यादा है ना। करा 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन 40, 40 से 50 का प्रतिशत ज्यादा है, तो 25% ज्यादा है। नेक्स्ट बाबू करा 40 बाबू व्हाट परसेंट लेस देन 50 है ना। आप कह रहा बाबू 40 कम है, 40 कम है 50 से, लेकिन कितना कम है, कितना कम है, कितना परसेंट कम है, 40 बाबू कम है ना 50 से, हाँ सर है सर, लेकिन कितना परसेंटेज कम है। तो इसमें बाबू कैसे करो, वैसे करोगे डिफरेंस लिखोगे, क्या करो बाबू डिफरेंस लिखोगे, इसका आंसर 180 देता, 180 देता है इसका आंसर। अच्छा देखते हैं डिफरेंस लिखेंगे सर, अब बट ये लेस है ना बाबू, लेस है तो यहाँ पे मोर वैल्यू लेंगे बाबू, मोर वैल्यू लेंगे, मोर वैल्यू लेंगे, मोर वैल्यू लेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे और परसेंटेज का सेम बोल देंगे। समझ में आता है शिवानी, ये प्यारे से दुलारे से न्यारे से शिवानी, समझ में आता है बाबू शिवानी शैतान। डिफरेंस है तो 50 से 40 में कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस। मोर वैल्यू सर, मोर वैल्यू कौन सा सर, 50 सर, 50 सर, 50 सर, मल्टीप्लाई 100 सर, आई परसेंटेज का सैंबल सर, ये बाबू कितना हो जाएगा 52 जा, कैसे कैसे आया स्वाति, बहुत लंबा चौड़ा इतना कैसे आ रहा था स्वाति, कैसे कैलकुलेट कर दे बाबू, 20% ज्यादा, मतलब 40 सर, 40 सर कई प्रतिशत ज्यादा, वो 50 से 40% ज्यादा, 20% ज्यादा, कैसे गलती कर दी स्वाति, स्वाति बाबू सर, श्रुति सर, अच्छा हाँ श्रुति, श्रुति बाबू कैसे गलती कर दी सर, वहाँ हम 20 कर दिए थे बाबू, ऐसे नहीं ना करने से होगा। समझ में आ रहा धर्मवीर, धर्मवीर यस सर, हाँ बाबू तो दर्शन दीजिए बाबू, ऐसे नहीं बाबू, ऐसे पबजी या फ्री फायर चलता है ना आप लोग का, शिवानी बाबू ऐसे कैसे बाबू, एमबी खत्म हो जाता है फिर क्लास के लिए नहीं बच पाएगा, एमबी खत्म हो जाता बाबू, यस बहुत समस्या, लेकिन ईमानदारी से बाबू जहाँ जो पकड़ा गया तो ढूंढ देंगे ठीक है ना, विश्वास पे छोड़ेंगे तो ईमानदारी से, इन्हें उधर पबजी या फ्री फायर खेल रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं, हाँ पबजी या फ्री फायर में लग मत जाओ। अरे शैतान एमबी खत्म हो जाता ना तभी तो एक महीना चलेगा ना, तो ऐसा करो ना ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले लो, एक महीना लेकर छोड़वा देना सबसे बढ़िया रहेगा, पैसा भी आपको रिटर्न दे देगा और कॉलिंग भी दे देगा और अनलिमिटेड डाटा भी दे देगा, अनलिमिटेड कॉलिंग भी दे देगा, मोबाइल रिचार्ज मत करवाना, कब मोबाइल का वैलिडिटी खत्म हो रहा है सर, फरवरी में खत्म होगा, 22 फरवरी, अरे अभी लंबा तो डेट है बाबू, ठीक है क्या करो बाबू, व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 10, मतलब बाबू व्हाट परसेंट ऑफ 50 का कितना प्रतिशत 10 होगा, तो इस टाइप को बताया था ना बाबू, 50 का कितना प्रतिशत 10 होगा है ना बाबू, तो एक तो एक्स मान के बताया था है ना, ठीक है वो 50 का कितना प्रतिशत 10 होगा, तो क्या बाबू यहाँ पे 10 है, 10 लिखो, और जिसके साथ ऑफ रहता उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं और मल्टीप्लाई 100 करेंगे और यहाँ परसेंटेज डालेंगे है ना बाबू, इसको से कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा है ना, 20% हो जाएगा, मतलब अब 50 का कितना प्रतिशत 10 होगा, तो 20%, 50 का बाबू 20% निकालो ना, देखो 50 का 20% निकालो तो डेफिनेटली कितना आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, ये हो गया 5, ये हो गया 10 है ना बाबू, तो 50 का तो हम लोग क्या करें, ई वैल्यू को लिख देंगे और बाबू ये ऑफ है ना, तो जिसके साथ ऑफ रहेगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे है ना, ठीक। अब इसमें बाबू दो चार को फटाफट क्वेश्चन करो तो परसेंटेज मोर देन लेस देन, फॉर्मूला पुट करके बनाएंगे सबको, हाँ बाबू बताए ना कल, बाबू कल नहीं आई थी प्रखर, नहीं समझी थी, नहीं सर थोड़ा शादी भी हाँ शादी पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए बाबू प्रखर है ना। नेक्स्ट बाबू फोर नंबर, फोर नंबर
फोर नंबर वो व्हाट परसेंट बाबू, व्हाट परसेंट बाबू, या पहले ऐसे लिख लो बाबू, 60 इज बाबू व्हाट परसेंट मोर देन 20, 60 इज बाबू व्हाट परसेंट मोर देन 20। हो गया सर, कितने करवाएंगे क्वेश्चन बाबू? दो चार तो नहीं करवाओ तो प्रैक्टिस कैसे होगा? नेक्स्ट बाबू, हाँ बाबू, 20 इज बाबू व्हाट परसेंट लेस देन, 20 इज बाबू व्हाट परसेंट लेस देन 60। नेक्स्ट सर, पहला क्वेश्चन सर, फोन नंबर का 200/3% है ना? 2000 फर्स्ट का देगा। कितना प्रतिशत बेस होगा? जल्दी से करो, जल्दी से करो बाबू नारायण। सर फिफ्थ का 200/3% मोहित बाबू, वीडियो ऑन कीजिए। मोहित शैतान पबजी में लगा हुआ। नो सर, कुछ नहीं कर रहे। नहीं करे तो ऑन करो ना बाबू। अपर खैर आप भी बाबू। यस सर, 100/3 आएगा। बनाए बनाए, देखिए बाबू, देखिए है ना, बनाए ना, बता रहे हैं आपके। अभी से हम लोग जल्दी सर, फोर्थ का 200% आता है, फिफ्थ का 200/3% और सिक्स्थ का 200/3%। हाँ बाबू, अच्छी बात है। प्रकाशी बाबू समझ में आता है? ये प्रकाश से यस सर। काल कब मंडरा रहे बाबू? सतीश के पापा भी नहीं देखते हैं, मंड कब उसके उनके पापा आते हैं, फोन करते हैं बाबू। नहीं कंप्लीट रहा जो बुक का एक्सरसाइज विद्यासागर का, इसका फेयर, और उसके बाद याद नहीं रहा एसी वर्मा क्लास 10 का जो बुक है उससे क्वेश्चन नहीं बना। जितना नहीं बनेगा उतना पीटेंगे ना, पहले ही बोल देते हैं। 33.3% है ना, ये हमको नहीं कहेगा सर कि हमको इन्फॉर्म नहीं किया, आपको एक महीना से हम बता रहे हैं। देखो 60 भाट परसेंट मोर देन 20, मतलब सर 20 बाबू ज्यादा, अब 60 क्या है, 60 ज्यादा है 20 से, कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में कितना ज्यादा है, तो क्या कितना ज्यादा है, 40 डिफरेंस लेंगे तो 40 33.33। अच्छा ठीक है, 60 20 से कितना ज्यादा है, तो 40 ज्यादा, डिफरेंस ले लेंगे है ना बाबू। उसका तो मोर कह रहा है, मोर कह रहा है, लेस वैल्यू, लेस वैल्यू, लेस वैल्यू, मल्टीप्लाई 100 100, सिंबल परसेंटेज, परसेंटेज, बी पचे, ये 200 कुछ था बाबू, 200% ज्यादा है, कुछ था जी, बता, एलकेजी का चीज है। नेक्स्ट बाबू क्या कह रहा है, 20 इज भाट परसेंट लेस देन 60, 60 से बाबू 20 कम है, लेकिन कितना प्रतिशत कम है, तो कितना होगा, दोनों का डिफरेंस सर, दोनों का डिफरेंस 40 सर, दोनों का डिफरेंस 40 सर, है ना, बट्टा लेस कह रहा है, लेस कह रहा है, तो हम लोग बड़का वाला वैल्यू लेंगे, बड़का वाला वैल्यू 60 है सर, तो 60 लेंगे सर, मल्टीप्लाई 100 करेंगे सर, इसको परसेंटेज में लिखेंगे सर, ये सब एलकेजी का बच्चा, हमको शर्म आता है बताने में, है ना, इसको सॉल्व करो, ये बाबू करो, 2 हो जाएगा सर, आई 3 हो जाएगा, तो 200/3% हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 200/3% हो जाएगा, है ना, इसको सॉल्व करोगे तो 66 होल क्या जाएगा 1/3 या 66.66% आ जाएगा। समझ में आता नारायण? नारायण आज नारायण एकदम सुधरा हुआ है। यस सर, वीडियो भी ठीक है, सब चीज ठीक है, की बात है बाबू, ये लैपटॉप से ज्वाइन किए हैं। हाँ बाबू, नहीं नहीं एक बार पीट देंगे ना तो सही हो जाएगा, 5G के स्पीड से दिमाग काम करेगा। नेक्स्ट बाबू सर, नेक्स्ट टाइम यहाँ आ रहा है? अभी नहीं बाबू, अभी नहीं, वहाँ थोड़ा सा ज्यादा ये है ना, थोड़ा सा और आ जाता उधर का तो आ ही जाते हैं, देखेंगे बाबू। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये वाला एलपीजी का क्वेश्चन, एलपीजी का क्वेश्चन, चलिए अच्छी बात है। ये सब कहाँ बाबू, सब एलपीजी के जी का क्या करें, ये सब हमको पढ़ाने का मन भी नहीं करता, अब दो चार को दे देते, बना लोगे ना। नेक्स्ट, इसका कितना आएगा, कितना आएगा बाबू, कितना आएगा प्रखर?
सर इसका 100/3% 100/3% बाबू देखो क्या करा, भाट परसेंट ऑफ 60 is 20, तो क्या लिखेंगे सर, 20 लिखेंगे, ऑफ किसके साथ है सर, 60 के साथ ऑफ है, डिनोमिनेटर में 60 डालेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, यहाँ परसेंटेज का सिंबल देंगे, यही तो एलकेजी में करेंगे, ये 3 से करेंगे तो 100/3% हो जाएगा सर, एलकेजी का चीज है। नेक्स्ट बाबू जल्दी से लिखिए, शिवानी ऐसे कैसे बाबू, शिवानी शिवानी सौरभ लिख रहे हैं ना बाबू, सौरभ सौरभ शिवानी वीडियो ऑन नहीं कीजिए बाबू, अटेंडेंस मार्किंग करे, चलो शिवानी लिख रहे हैं सर, माइक नहीं ऑन हो, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग गई शिवानी, बाबू का कनेक्ट नहीं हो रहा है क्या, नेक्स्ट जानवी शर्मा समझ में आता है बाबू? यस सर। ये देवी लाल सर के चेली, बाबू का देवी लाल सर पढ़ाए नहीं मन से, क्या किया जाए। नेक्स्ट बाबू अब थोड़ा सा बाबू लिखते चल, एक दो क्वेश्चन इसी पे है, इसी पे है, इसी पे है ना, इसी पे है, इसके बाद अभी परसेंटेज में बहुत कंसेप्ट पढ़ना है, ऐसा थोड़ी की बुक में दो दो को पढ़ा के छोड़ दिया गया है, है ना, बुक में थोड़ा थोड़ा सा बता के, स्कूल में थोड़ा थोड़ा सा बता के छोड़ दिया जाता है, अभी बहुत है बाबू, परसेंटेज की दुनिया बहुत बड़ी है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, सर सर आप जितना पढ़ा रहे उतना स्कूल में थोड़ी देर पढ़ाता है, अब लोग कब का खत्म हो जाता ये बाबू पॉपुलेशन, तो कंप्लीट यही ना कंसेप्ट क्लास बाबू, यहाँ कंप्लीट पैकेज देंगे, आप किसी भी स्टूडेंट से टकरा जाओ, कोई मान लो अति जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है जैसे बैंक पे, वो सबसे भी टकरा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इफ बाबू पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, इफ बाबू पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, विलेज बाबू बिकम्स becomes the population of a village babu becomes 4000 to 6000 then percentage rise in population ठीक जल्दी सुनाओ एलकेजी का क्वेश्चन, एलकेजी का क्वेश्चन सर, सारा सब एलकेजी यूकेजी का है, जल्दी बनाओ बाबू। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू इफ द जल्दी बनाए इफ सर 50% इफ द इनिशियल प्राइस ऑफ बाबू टी इज बाबू 16 rupees देन फर्स्ट का 50% होगा, हाँ बाबू देन बाबू इट विल 50% हाँ बाबू इट विल बाबू गो डाउन बाबू टू 12 rupees 16 rupees है सर, घट के 12 rupees हो गया बाबू, कोरोना आ गया तो चाय कौन पीता कि नहीं बाबू, है ना, देन परसेंटेज व्हाट इज परसेंटेज कॉल बाबू, व्हाट इज परसेंटेज फॉल इन प्राइस 100/3 अरे शैतान 16 रुपए से घट के 12 रुपए आ गया, गलती है, धर्मवीर बाबू जल्दी बनाइए, धर्मवीर 25% अरे पहले चाय का दाम 16 रुपया था बाबू, घट गया 12 रुपया हो गया, ठीक है ना, 25% फॉल इन प्राइस
25% आएगा, सही है। कहा है धर्मवीर बाबू कैसे पीछा हो जाता है बाबू ये एलकेजी यूकेजी के बच्चे से, हमको तो समझ में नहीं आता। सौरभ क्या चल रहा है बाबू, सौरभ बाबू क्या चल रहा है सर? 25% होगा सर, कुछ नहीं चल रहा। हाँ कुछ नहीं चल रहा बाबू, सावधान रहिएगा। दे रहे दे रहे दे रहे, इसको पहले सोल्व करवाएंगे तो ना बाबू। अरे आप लोग को देखना है, 25% है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग को देखना भी पड़ता है ना बाबू, नहीं तो आप लोग पढ़ोगे मेरे यहाँ नहीं टाइट करेंगे तो जैसा हो खतरनाक स्टूडेंट। 25% अच्छा ठीक है, वेरी गुड। देखो कोई विलेज है बाबू है ना, पहले उस विलेज का पॉपुलेशन कितना था बाबू, 4000 था, अब इंक्रीज होकर 6000 हो गया है ना, तो परसेंटेज राइज हुआ है ना बाबू, परसेंटेज राइज हुआ। तो हम लोग इसको कह रहे बाबू कि कितना पॉपुलेशन बढ़ा ना बाबू, तो कह रहा है कितना परसेंटेज राइज हुआ पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन में 4000 से 6000 हो गया, तो बढ़ गया तो कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा है ना, कितना परसेंट बढ़ा, तो वही कंसेप्ट लगाएंगे, कोई नया थोड़ी लगाएंगे, तो वही लगाएंगे परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन, कितना लिखेंगे परसेंटेज राइज इन पॉपुलेशन, कुछ नया थोड़ी लिखे, दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस है डिफरेंस, उसे लिखे लिखो ना डायरेक्ट 4000 6000 4000 2000 है ना सर, डिवाइडेड बाय, दोनों का डिफरेंस है, राइज है ना बढ़ रहा ना, तो छोटका वैल्यू छोटका वैल्यू छोटका वैल्यू कौन सा, 4000 4000 छोटका ना, छोटका वाला 4000 मल्टीप्लाई 100, अब परसेंटेज कह रहा है, परसेंटेज कह रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज का सिंबल ला, 1020 ये 20 ये 2 से ये 50 से कुछ था बाबू, डरा दिया गया 50% हो गया, मतलब पॉपुलेशन का इतना परसेंट बढ़ गया, 50% बढ़ गया, 4000 से 6000 हो गया, तो कई परसेंट बढ़ गया, 50% बढ़ गया। यहाँ बाबू चाय है बाबू है ना, कोरोना काल आ गया बाबू, तो 16 रुपया था है ना, 60 रुपया चाय का प्राइस था बाबू, अब घट कर 12 रुपया हो गया कि नहीं, तो परसेंटेज बाबू क्या करा, परसेंटेज फॉल इन प्राइस, तो परसेंटेज बाबू है ना, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो ना बाबू, परसेंटेज है ये परसेंट है और एज लिख दो तो परसेंटेज हो गया शॉर्ट फॉर्म है ना बाबू, देखो सर परसेंट हो गया और एज हो गया तो परसेंटेज हो गया, बात समझो बाबू, हमको बाबू हम लोग आलसी आदमी है ना, तो क्या हो गया ये परसेंट हो गया, इसके साथ एज लगा दो तो ये परसेंटेज हो गया है ना बाबू, परसेंटेज हो गया ठीक, ये मत समझना कि परसेंट अलग है एज अलग है, एज माने एज वाला वो उम्र मत समझना है ना, परसेंटेज बाबू फॉल इन प्राइस, फॉल इन प्राइस है ना, परसेंटेज फॉल इन प्राइस क्या सर, तो 16 था 12 हो गया, कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, बट्टा फॉल है बाबू, घट रहा लेस है घट रहा, तो बड़का वाला वैल्यू बड़का वाला 16 मल्टीप्लाई 100 ये बाबू 4 हो गया सर और ये 25 हो गया सर, इसको ओवरऑल हम लोग परसेंटेज का सिंबल देंगे सर, तो 25% प्राइस में क्या हुआ, राइज ये हुआ डाउन हुआ। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट कांसेप्ट पढ़िए, आप कहाँ से दे बाबू, पढ़ो ना अभी बहुत पढ़ाना, इसी में लगल रहेंगे तभी, दुनिया बहुत बड़ी है, सिलेबस अभी बहुत बड़ा है बाबू, नेक्स्ट कंसेप्ट अब हम लोग सीखेंगे, 2 मिनट सभी कुछ है जी, एलकेजी का चीज है ठीक हो ना, आनंद कहाँ बाबू, आनंद कैसे, ऐसे कैसे, ये सब शैतान है, 1 मिनट नहीं ध्यान दिया ना आप लोग का बाबू, आई शिवानी का तो पता, हाँ उनकी शिवानी, शिवानी समझ में आता बाबू, ये शिवानी यस सर मेरा तो ऑन है वीडियो, हाँ ई कर समझ में आता है, यस सर, हाँ बाबू आई सब कंप्लीट हो गया है ना बाबू, शिवानी कल संडे है बाबू, कल आप ही लोग का बाबू है ना, रविवार का ग्रह है बाबू आप लोग पे, आप हो शिवम हो, फिर अगला संडे दे, कल आप ही लोग पे ग्रह है बाबू, आप हो जानवी हो, ग्रह मंडराएगा कल, इसीलिए बाबू बोल देते पहले, तैयार वार करके रहिएगा, खाना वाना पी कर रहिएगा, धीरे खा पी कर रहिएगा, मजबूत हो जाइएगा, आप बाबू छड़ी लेके जाते ठीक है ना, आप कोई मर्जी नहीं अपना छड़ी अपना बुक अपना कंसेप्ट क्लास सब अपने सर, बुक भी लेके जाते हैं सर, हाँ बुक लेके जाते हैं ठीक है ना, बुक भी लेके जाते हैं सर, कौन सा सर,
जैसा स्टूडेंट है बाबू उसके अनुसार। मान लो 7 का तो 8 वाला लेके जाएंगे, 5 का तो 8 वाला लेके जाएंगे। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे, है ना, कंसेप्ट सीखेंगे। क्या कंसेप्ट सीखेंगे सर? जैसे मान लो बाबू आपका मान लो कि इनकम 5,000 रुपया, ठीक है ना, इनकम 5,000 रुपया, 5,000 है सर। अब बाबू आप मन से काम कर रहे हो, मन तन से बाबू इतना मन से पढ़ रहे हो, तो इम्प्लॉय जो भी है बाबू ठीक है, तो बाबू आपका बाबू जो भी है, कौन है सर, मैनेजर है ना बाबू, आपसे खुश हो गया, तो पहले साल बाबू आपका इनकम मान लो 10% बढ़ा दिया, फिर बाबू कुछ दिन के बाद आपका इनकम क्या इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया। तो अब इस केस में क्या है बाबू कि ओवरऑल परसेंटेज ऑफ इनकम कितना इंक्रीज होगा, जैसे जैसे समझो समझो, देखो नेक्स्ट 10-20% का एवरेज निकाल लेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे ना सर। एवरेज निकालेंगे तो नहीं हो पाएगा बाबू, गलती हो जाएगी। देखो मान लो आपका इनकम मान लो, जैसे मान लो बाबू की 100 रुपया है ना, 100 रुपया आप कमा रहे हो, है ना, ठीक है। और बाबू मान लो कि पहले मान लो कुछ दिन के बाद वो आपका इनकम 10% बढ़ गया, ठीक है, 100 रुपया आपका इनकम बाबू नहीं निकल में बेहतर में, अगर मान लो इनकम में अगर इंक्रीमेंट नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, ठीक। फिर बाबू आपका इंक्रीमेंट कितना हो गया, फिर मान लो बाबू 10% हो गया, फिर 10% का इंक्रीमेंट हो गया। तो अब कह रहा है बाबू आपका इनकम अब कितना होगा, अब ओवरऑल पहले आपका इनकम 100 रुपया था बाबू, 10% बढ़ गया, ठीक, उसके बाद फिर 10% बढ़ गया, तो अब ओवरऑल बाबू आपका इनकम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो इसको अगर ऐसे कर दिया, 10% बढ़ गया सर, 10% बढ़ गया सर, तो ओवरऑल कितना, 20% बढ़ गया, है ना, 20% बढ़ गया। अगर ऐसे करके ऐड कर दिए तो गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा, है ना बाबू। मान लो पहले 10% इनकम बढ़ा सर, फिर उसके बाद क्या बढ़ा सर, मतलब पहले जो 10% इनकम बढ़ा, उसके बाद जो 10% इनकम बढ़ा वो पहले वाले बढ़ा हुआ है उसके बाद वाला है, पहले जा रहे शैतान, मतलब मान लो 100 रुपया बाबू, 100 रुपया में 10% इनकम बढ़ा दो तो कितना क्या रुपया बढ़ेगा, 100 का 10% निकालो कितना होगा, 10 होगा सर, 10 रुपया होगा, 10 रुपया होगा, है ना, 10 रुपया। तो पहले 100 रुपया था, 10% बढ़ गया था, अब आपका इनकम कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। अब अगला वाला जो 10% है वो 110 का है ना, 110 का। नेक्स्ट बाबू 10% बढ़ गया, तो अरे शैतान, मान लो आपका पापा जी का जॉब है ना, तो बाबू जो इनकम बढ़ता है तो पीछे वाला पे ना बढ़ता बाबू, ऐसा थोड़ी है। मान लो 110 हो गया, अब जो नेक्स्ट 10% बढ़ेगा तो ये 110 पे ही बढ़ेगा, नेक्स्ट जो भी जितना परसेंट बढ़ना रहेगा तो 110 पे बढ़ेगा, न कि 100 पे बढ़ेगा, है ना बाबू, 100 पे बढ़ेगा। तब फिर पुनः 110 का टोटल इंक्रीजमेंट हुआ 20 रुपया, नहीं बाबू देखना शैतान टोटल। अब बाबू नेक्स्ट बाबू 110 का 10% निकालो, तो 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना 11 रुपया हो गया, 11 रुपया हो गया ना। तो अब आपका इनकम कितना हो जाएगा, 110 पहले था सर, अब 11 रुपया आ गया, तो अब आपका इनकम कितना हो गया, 110 प्लस 11 121 रुपया हो जाएगा, है ना, 121 रुपया हो जाता है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से निकालते हैं ना बाबू, शांति से सुनना, शांति समझ में, है ना, समझना, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो बाबू आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे मान लो आपका इनकम 100 रुपया है ना, तो अभी आपका इनकम कितना हो गया, 121 हो गया ना, तो इसको देखो डायरेक्ट कैसे निकालोगे, 100 रुपया बाबू, ठीक है सर, पहले कितना बढ़ा बाबू, 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ा बाबू, तो इसको ऐड कर देना, 100 प्लस 10 कर देना, है ना, 100 प्लस कितना, 110 निकाल देना, 110 निकाल देना, 110 बाई मैंने 10% बढ़ रहा ना, तो इसका कितना निकाल देना, 110% निकाल देना, ठीक। नेक्स्ट बाबू फिर 10% बढ़ा, तो फिर इसका 110% निकाल दो, देखो वही आंसर आएगा, 110% निकाल दो, तो 1 0 2 0 2 0 2 0 11 11 कितना हो गया, 121 हो गया। तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा सर, अरे शैतान समझो, देखो फिर से समझाते हैं। मान लो बाबू आपका आमदनी 100 रुपया, इनकम 100 रुपया, तो हम ये कह रहे हैं बाबू पहले साल 10% बढ़ा बाबू, है ना, फिर दूसरे साल जो इनकम बढ़ चुका उस पे 10% बढ़ा। तो अब कह रहा है बाबू आपका ओवरऑल इनकम कितना होगा, अब आपका आमदनी कितना हो जाएगा, आपका शांति से सुनना, लिखना बाद में, आपका इनकम 100 रुपया है, ठीक सर, पहले साल 10% सर बढ़ा सर, तो अब इनकम कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा, 110 बाबू 100 का 10% निकालोगे, 110 रुपया होगा, फिर 110 पे 10% और बढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा इनकम सर, 121 रुपया हो जाएगा। तो इसको ब्रेक कर कैसे बना सकते हो बाबू, देखो कैसे कैसे कर सकते हो सर, 100 रुपया है सर, है ना, 10% पहले साल बढ़ा सर, फिर सर नेक्स्ट साल 10% बढ़ा सर, है ना। तो इसको कैसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो बाबू, ऐसे ऐसे देखो, 100 का पहले 10% निकालो सर, तो कितना हो जाएगा सर, 100 का 10% 10 रुपया हो जाएगा सर, है ना, 100 का 10% निकालेंगे सर, 100 का 10% निकालेंगे सर, तो कितना आ जाएगा, 10 रुपया आ जाएगा सर, है ना।
तो अब आपका इनकम कितना हो गया सर, 110 रुपया हो गया सर। अब पुनः 110 पे 10% बढ़ा देते, तो 110 का 10% निकाल लेते हैं सर, है ना। तो एक जीरो दो जीरो कैंसिल, कितना हो गया सर, 11 रुपया बढ़ गया सर। तो अब आपका इनकम कितना हो गया बाबू, तो 110 पहले था सर और फिर 11 हो गया, कितना हो गया सर, अब हो गया आपका 131 रुपया, ठीक है ना। दो दो बार सक्सेसिव अगर 10% बढ़ता बाबू तो कितना हो जाएगा, 131 रुपया हो गया, है ना। ठीक ठीक बाबू, अगर आप सर डायरेक्ट सोच रहे थे सर कि 10% बढ़ा 10% बढ़ा, तो ओवरऑल अगर ऐसे निकालोगे कि 20% इंक्रीमेंट होगा, मान लो अगर मन में मेरा ख्याल आता सर कि मान लो 10% बढ़ा 10% तो ओवरऑल कितना 20% बढ़ा, तो 100 का अगर 20% निकालोगे, 100 का 20% अगर निकालोगे तो 20 रुपया आ जाएगा, 20 रुपया बढ़ेगा, तो आप इनकम कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा, जो कि गलत है ना बाबू। जब भी प्रेम पर बाबू सक्सेसिव इंक्रीमेंट का है या इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट का है, परसेंटेज इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट का है, तो हम लोग डायरेक्ट ऐड मत कर देना, गलत हो जाएगा, है ना। उसका तरीका बताते कैसे करना, ठीक ठीक। तो एक तो मेथड ये है सर कि 100 रुपये का 10% निकाले सर, जो आया उसको हमने क्या किया, ऐड किया, ऐड किया। दूसरा हम आपको क्या करें, वो दूसरा मेथड क्या करें कि बाबू जो भी इनकम है ना, ठीक है, अब इसको देखो डायरेक्ट कैसे निकालो, बता बाबू अभिनव प्रकाश, 100 का 10% कितना, 100 का 10% कितना, 10 रुपया। तो इनकम अब आपका कितना हो गया, 100 का 10% 10 पे, तो इनकम कितना हो गया, 110। ठीक, वेरी गुड। अब हम कह रहे बाबू डायरेक्ट 110 कैसे आएगा, तो देखो कैसे आएगा, 100 रुपया इनकम था बाबू, 10% बढ़ गया, 10% बढ़े, तो 100 का 10% बढ़ गया मतलब कितना हो गया, पहले बाबू 100 था, अब बढ़ के 10% तक कितना, 110% निकाल दो, 110% निकाल दो। मतलब कोई भी चीज में जितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा ना उतना 100 ऐड कर देना, जैसे 20% इंक्रीमेंट होगा तो डायरेक्ट 120% निकाल देना, है ना बाबू। मान लो 30% इंक्रीमेंट होगा तो डायरेक्ट कितना निकाल देना, 130% निकाल देना, है ना। तो वो वैल्यू आ जाएगा इंक्रीमेंट होने के बाद, जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा। तो 100 का 10% बढ़ गया तो 110% डायरेक्ट निकाल दो, तो 100 का 110% डायरेक्ट निकालो। समझ में आ रहा धर्मवीर, हमको तो लग रहा है वो कंफ्यूजन हो रहा है आप लोग को। नहीं सर, आ रहा है समझ में। तो 100 का 110% कितना होगा धर्मवीर, बताओ बाबू। क्या सर, 100 का 110%, 100 का 110% कितना होगा सर, 11। वाह वाह मेरे लाल, आप तो नाम 110 होगा सर, 110। हाँ 110 है वो, परसेंट है तो परसेंट को 100 कर दो, कितना हो जाएगा, 11 × 10 = 110 रुपया, है ना। तो यहाँ से आपको हमने कंक्लूजन क्या होते हैं, 100 का 10% निकाल दिया, 10 रुपया उसमें 100 में ऐड कर दो, तो 110 रुपया आ गया। हम आपको क्या करें, हम आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करें बाबू, किसी भी चीज का परसेंटेज या इंक्रीमेंट करें बाबू, तो जो प्राइस है वो लिख लो, और अगर इंक्रीमेंट कर रहा है तो 10% है तो डायरेक्ट 110% निकाल दो। तो 100 का 110% निकाल दिया तो डायरेक्ट कितना, 110 रुपया आ गया। यहाँ ब्रेक करके निकाले तो 110 रुपया आ गया, है ना। तो दोनों मेथड से सेम है, लेकिन डायरेक्ट मेरे लिए आसान है ना बाबू, डायरेक्ट आसान है ना। किसी भी चीज का मान लो आपका इनकम, मान लो परसेंट, मान लो आपका इनकम 20% बढ़ गया, 5000 रुपया था, जैसे जैसे समझो समझो इस बात को समझो बाबू, है ना, बहुत आपको काम हो। जैसे मान लो आपका इनकम 5000 रुपया है ना, 5000 है, अब बाबू आपके सैलरी में 20% का इनकम, 20% का इंक्रीमेंट हो गया, 20% का इंक्रीमेंट हो गया, तो अब आपका सैलरी कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालोगे, तो 5000 का बाबू 5000 का डायरेक्ट 20% बढ़ गया तो डायरेक्ट 120% निकाल दो, 20% बढ़ गया मतलब डायरेक्ट 120% निकाल दो। तो अब आपका सैलरी जो हो जाएगा वो, अब आपका सैलरी कितना हो जाएगा, 12×50 = 60 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। बात समझ में आता है। अगर बाबू मान लो आपका डायरेक्ट मान लो 100% है ना बाबू, ठीक है ना, मान लो 10% 20% इंक्रीमेंट हो रहा है तो 150/100। हाँ बाबू, मान लो आपका सैलरी 5000 है, अब 50% बढ़ गया, ऐसा संभव है नहीं बाबू, हम इतना मेहनत करेंगे तो मेरा इनकम बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है ना। फिर भी फॉर एग्जाम्पल सपना में आ गया, क्या करोगे, मान लो आपका सैलरी कितना हो गया, 50% इनकम हो जा रहा है सर। अरे शैतान, आप तो मेरे पे नजर एकदम गड़ाए हुए, इंक्रीमेंट हो गया तो कहेगा अब आपका सैलरी कितना हो गया, 5000 सैलरी, अब 50% इंक्रीमेंट हो गया, है ना बाबू, अब आपका सैलरी कितना होगा, तो डायरेक्ट बाबू 5000 का 150% निकाल दो, फटाफट 7500 रुपया। ये बात समझ में आता है नारायण सर, ये तो 50 हो गया सर, अगर वहां पर 200% होगा तो
200% रहेगा बाबू, देखो ना मेरे बात। 300 हो जाएगा, 300/100। हाँ बाबू देखो, ऐसा संभव है बाबू, चलो ठीक है, लेकिन क्या करो, हो सकता है मेरे साथ भविष्य में ऐसा हो जाए बाबू, दिन दुगना रात चौगना। देखो बाबू, 5,000 है बाबू आपका सैलरी, और 200% बढ़ा दिया, 200% बढ़ा दिया, तो इसमें और 100 ऐड कर दो, तब 5,000 हो गया बाबू, और 300 हो गया, 300 हो गया, बाई 100 कर दो, 1020, तो अब आपका सैलरी कितना हो जाएगा बाबू, 15 आ जाएगा बाबू, 50,000 हो जाएगा, आप कितना हो गया, 50,000, अभी तो मेरा इतना इतना इनकम भी ना पूरा है बाबू, समझे शिवांगी, ये कंसेप्ट समझना, 15,000 भी नहीं पूरा हुआ है, नहीं नहीं बात, चलो ठीक है, समझी ये बात, 15,000 तो ज्यादा ही, तभी आपने नहीं बोले अगली बार सेंचुरी हुआ है सर, अरे नहीं सेंचुरी होगा तो आप लोग ठीक है सर, आप तो पूरी जिसको सबसे ज्यादा नंबर आए ना उसको एक आईफोन गिफ्ट कर दीजिएगा सर, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक खुश सर, 2,000,000 बता रही है, ठीक है प्रखर, पहले आप पढ़ आती बाबू सेंचुरी तो पूरा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, है ना, तो डायरेक्ट बाबू कोई भी इनकम है बाबू, डायरेक्ट मान लो 20% इन्वेस्ट होता है, 120% निकाल दो, प्रेजेंट इनकम निकल जाएगा, है ना, प्रेजेंट इनकम निकाल, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आपको मेरा लिंक डाइवर्ट कर दी, हम ये नहीं बताना चाह रहे थे, हम ये बताना चाह रहे थे बाबू आपका इनकम बाबू मान लो कि पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल भी 10% बढ़ा, तो ओवरऑल जो परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा, ओवरऑल जो परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा उसको कैसे फाइंड करेंगे, है ना, कैसे फाइंड करेंगे, जैसे अभी आपको बताया ना बाबू, आपका इनकम मान लो बाबू 100 रुपया है ना, अब पहले साल सर कितना 10% बढ़ गया, है ना, पहले साल इंक्रीमेंट 10% हो गया सर, दूसरे साल भी बाबू 10% का इंक्रीमेंट हो गया, तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट कैसे होगा, इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा, वही आपको बता रहे हैं ना, इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा, है ना, वही बता रहे हैं, ठीक है बाबू, ठीक है सर, इसी को थोड़ा सा कंसेप्ट करके लिखेंगे बाबू, इसको ध्यान देना है ना, फिर ध्यान देना, लिखो बाबू लिखो, लिखिए आप लोग, इफ बाबू, इफ बाबू एनी क्वांटिटी, इफ एनी क्वांटिटी बाबू, if any quantity babu first increased by first increased by x percent, धर्मवीर बाबू समझ में आता है बाबू, हमको तो इसी पे टेंशन, वीडियो बंद रहता ना बाबू तो मन में क्या करे, श्रुति ऐसे कैसे है, यस श्रुति, यस सर, ऐसे कैसे बाबू सर, अभी बंद किए आप लोग, हो सैतानी स्कूल में कैसा टीचर ऐसे बोर्ड पर पढ़ाता था, पीछे गुटुर गु वैसे हम इधर लिखते हैं, आप इधर अपना काम शुरू कर देता, ये फैनी क्वांटिटी बाबू फर्स्ट इंक्रीज बाय बाबू एक्स परसेंट एंड बाबू एंड देन इंक्रीज बाय बाबू, उसके बाद इंक्रीज होता है, देन बाबू इंक्रीज बाय इंक्रीज बाय बाबू बाय परसेंट बाबू, देन दी बाबू आज तो नारायण एकदम 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 आज मन से पढ़ रहा है, देखो तो एकदम वीडियो ऑन है, रेड शर्ट में, इतना दिन से शैतानी कर रहा था, अच्छी बात है नारायण बाबू, इसी तरह से पढ़िए, देन द बाबू ओवरऑल, या इसी के लिए एक वर्ड और है सर ओवरऑल के लिए, कभी कभी इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट, देन द बाबू ओवरऑल बाबू या इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा, इंक्रीमेंट सर, अभी परसेंटेज और आगे क्या पढ़ाएगा, अभी इसको खत्म होने दो ना, पर खैर आपको ये वो खत्म नहीं होता बाबू, बिल भी सर, इसमें एक्स क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी अलजेब्रा, हाँ अलजेब्रा छोड़ेगा बाबू, अलजेब्रा छोड़ेगा, डेट इज कहने का मतलब क्या है बाबू, डेट इज कहने का मतलब क्या बाबू, फर्स्ट बाबू पहले कितना बढ़ा सर, पहले x परसेंट राइज हुआ बाबू, पहले मेरा कितना राइज हुआ, x परसेंट, ये राइज है कितना राइज हुआ बाबू, पहले x परसेंट बढ़ा, शिवानी बाबू समझ में आ रहा है, एंड बाबू फिर देन कितना बढ़ा,
देन बाबू बाई परसेंट yes, increment. हाँ बाई परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, तो पहले x परसेंट बढ़ गया, दूसरे बार बाई परसेंट बढ़ गया, तो जो ओवरऑल इंक्रीमेंट होगा वो इक्विवेलेंट जो इंक्रीमेंट निकालेंगे, इक्विवेलेंट जो इंक्रीमेंट निकालेंगे, डरना नहीं है, इक्विवेलेंट बाबू या ओवरऑल जो इंक्रीमेंट निकालेंगे, ओवरऑल इंक्रीमेंट जो निकालेंगे बाबू, है ना, इक्विवेलेंट बाबू या ओवरऑल इंक्रीमेंट जो होगा क्या होगा, इसको ध्यान रखना कुछ नहीं, एलकेजी का चीज है, पहले एक्स एक्स परसेंट बड़ा सर तो एक्स करेंगे सर, बाई परसेंट बड़ा सर बाई को ऐड कर दो, एक्स प्लस बाई बाबू प्लस बाबू दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100 कर दो, बहुत यूज इसको करेंगे, एक्स परसेंट बड़ा सर तो पहला बाबू ऐड कर दो दोनों का, एक्स परसेंट है ना बाबू एक्स प्लस बाई बाबू है ना, एक्स प्लस बाई बाबू है ना, अब प्लस कितना एक्स बाई बाई 100 कर दो, कितना ओवरऑल क्या होगा परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा, यहाँ बाबू आप इसको ब्रैकेट में लिखो सैतान, ठीक, और इतना परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा, और उसके बाद इसको बॉक्स में बंद करो, समझ में आता है नारायण, धन नारायण नारायण बाबू, नारायण नारायण, हाँ बाबू मन से पढ़िए, अब देखिए इस पर क्वेश्चन करवाते हैं तब आपको समझ में आएगा अच्छे से आ जाएगा, सर इंक्रीजमेंट होता है ना सर, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाबू इंक्रीमेंट इंक्रीजमेंट का इंक्रीजमेंट नहीं होता है, इंक्रीज होता नहीं तो इंक्रीमेंट होता है सर, इंक्रीमेंट होता है ना, हाँ बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, अब इस पे क्वेश्चन करवाते हैं ना, ये सब कहाँ पढ़ना है, सब थर्ड फोर्थ क्लास का परसेंटेज में पढ़ना, लेकिन क्या किया जाए, पढ़ाया नहीं जाता है सैतान कहीं, देखो अभी आपको हम एग्जांपल दिया था बाबू कि मान लो आपका इनकम कितना 100 रुपया, पहले साल 10% बढ़ा सर, दूसरे साल 10% बढ़ा बाबू, तो पहले साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 10% बढ़ा, तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल बाबू पहला नंबर मान लो पहले साल 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, कोई क्वांटिटी बाबू पहले साल 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, सेकेंड साल भी बाबू 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना, सर 20, इतना मर मर ना 20 होगा नहीं सैतान, इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट बाबू यहाँ देख लेना ए होता कि नहीं होता, नहीं शैतान देखो पहले 10 पढ़ा सर, तो यहाँ x की जगह 10 रखो, y की जगह 10 रखो, तो 10 प्लस 10 दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100, सर 20 दोनों को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 1 ही आएगा, 21 हाँ बाबू 21 आएगा, देखो सर यहाँ x की जगह 10 रखो शिवम बाबू, 10 रखे सर, y की जगह कितना सर 10 रखे सर, अब प्लस बाबू दोनों का मल्टीप्लाई 10 × 10 डिवाइड बाय 100, 1 0 2 0, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा 21% होगा, ठीक है, तो बाबू 10% का इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट कितना होगा 21% हो जाएगा, अब इसका देखो हम लोग कहां यूज करेंगे, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ये सब डाटा कहेगा 10% का इक्विवेलेंट तो 21% कैसे सर, 10 + 10 + 10 + 10 प्लस बाबू 10 × 10 × 100, ये सब कुछ है जी, है कुछ जी, पढ़ाया नहीं जाता है कि, आता समझ में श्रुति शैतान, श्रुति यस सर, हां बाबू आप परसेंटेज पढ़ ली थी ना बाबू, श्रुति सर पढ़े थे हल्का हल्का पढ़े थे यस सर हल्का वाला पढ़े थे, हमारा धर्मवीर भी पढ़ लिया था परसेंटेज, मैं भी पढ़ लिया था सर, पर ये सब क्वेश्चन नहीं आया था, मैं नहीं पढ़ रहा हूं सर, इसीलिए कहते हैं बाबू आपके स्कूल में इतनी सा पढ़ाया जाएगा, इतनी सा में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उतनी सा में से बढ़िया करोगे तो पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं, आप भी खुश होता है, जब बाहर निकलते तो पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है, स्कूल में 30-40 स्टूडेंट रहता है, जान के टीचर कम सिलेबस पढ़ाता है ना जी, सर एक एक क्लास में 50-50 बच्चा भर रहता है एक एक सेक्शन में, हाँ बाबू तो जान के टीचर कम पढ़ाते ना ताकि उनसे कम क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, कम क्वेश्चन पूछे बनाना, कम क्वेश्चन पड़े और उसमें आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, सर बाबू ये सब क्या करोगे,
सर बिजनेस स्ट्रेटजी। हाँ हाँ बिजनेस स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। जल्दी से करो, जल्दी से करो, इसको याद रखना। इसको डायरेक्ट हम लोग यूज करें, हम अभी इतना नहीं बताते हैं। 10-10% का इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट कितना होगा? 21%। 20-20% का इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट कितना होगा? 20-20% का इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट कितना होगा? 42 से ज्यादा होगा। ये कौन लैंग्वेज है बाबू? कितना होगा शिवम बाबू? सर बनाए नहीं, अभी बना के बताते हैं। बनाना क्या बाबू, बनाना क्या इसमें? 44% कितना होगा शिवम? 20-20 का इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट 44%। हाँ चलो, पीछे मत रहे शिवम बाबू, बोलने में पीछे रहे तो सब शैतान है, देखते हो ना, चाई चाई खाली करती है। अश्रुति बोलने में पीछे मत रहे बाबू, नहीं तो यहाँ आप पीछे रह जाओगे, आपसे आपसे आगे निकल जाएंगे। बिना सोचे समझे बोलिए एकदम। नेक्स्ट बाबू लिख ले धर्मवीर। यस हाँ, तो इसको अलग कॉपी में लिखना बाबू, सांबला में मिक्स मत करना, ठीक है ना। इसको अलग में लिखना, उसमें मिक्स मत करना, ठीक है? ठीक है बाबू। इसका यूज बताएंगे, इसका यूज बताएंगे अभी। इसमें और एक आध दो एग्जांपल पहले करवाते हैं। मान लो वो 10%, मान लो पहला साल 10% बढ़ा सर, दूसरा साल 10% बढ़ा सर, तीसरा साल 10% बढ़ गया, तीन गो आ गया तो सर, है ना, तीन गो आ गया तो कैसे करेंगे सर? यहाँ दुइये गो कितना फॉर्मूला सर, दुइये गो ना, तीन गो यहाँ आ जाएगा, तीन गो आ जाएगा तो कैसे करोगे? कौन दिमाग लगाएगा, कौन दिमाग लगा, किसे भगवान, किसके पास भगवान माइंड दिया? सर 40% दीजिए ना। मान लो पहले साल सर 10% का इंक्रीमेंट हुआ, दूसरे साल सर 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तीसरे साल सर 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तो ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा? इक्विवेलेंट परसेंटेज नहीं मेरे लाल, 40% कैसे होगा बाबू? 21 आ जाएगा सर, 31%। अच्छा एगो 40, देखते किसका सही है, एगो 40% बोली, एगो 31%। अब भी बोलो शिवम धर्मवीर। 40 आएगा, 40 आएगा। चलो ठीक है, देखते हैं कितना आता है। एक 40 बोलो। 40% आए। 40% अच्छा। और सर अच्छा इक्विवेलेंट आप कितना आएगा शिवम? शिवम शिवानी बाबू बोलिए जल्दी, धर्मवीर बोलो बाबू, इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट शिवम? सर 40% आएगा। शिवानी बोली, शिवान शैतान नहीं बोलेगा, बोलो धर्मवीर बाबू। सर 31%। अच्छा मोहित बाबू बोलिए, मोहित वीडियो 33.1% आ रहा है। अच्छा देखते हैं मोहित बाबू, इसका वीडियो तो बंद रह जाए, इसके पापा ही आज फोन करना पड़ेगा। मोहित ये आता है क्लास शाम को भी, लेट से आता है, इसको जाके ढूंढ देते हैं, संडे है ना कल, ढूंढ देते हैं इसको, शाम को भी टाइम से नहीं आता है और सुबह भी नहीं आता है कि नहीं मोहित बाबू? सर कितना आएगा शिवान? शिव शिव सर 40% आएगा। चलो ठीक है देखते हैं बाबू। सर मैम लिख लीजिए ना, 33.1। अच्छा ठीक है 33.1%। देखो बाबू इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीमेंट कह रहा है ना, तो देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्यूशन बाबू, किसका किसका गलती है? 10% बाबू पहले साल सर, दूसरे साल अच्छा ठीक है, दूसरे साल 10% सर, तीसरे साल सर 10%, है ना। तो पहले क्या करो बाबू, ये दोनों 10-10% बाबू, तो ये दोनों 10% इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट कितना हुआ सर? 21% है। ये दोनों का 10-10 इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट निकालेंगे, दो दो करके निकालो ना जी, पेयर करके, क्या दिक्कत था, कोई दिमाग लगाना था? तो 10-10 का इक्विवेलेंट कितना सर? 21 है ना बाबू, 10+10 है इतना, ये हो गया 21% हो गया। अब एक दस बच गया, अब ये दोनों का इक्विवेलेंट निकालो, ये दोनों का इक्विवेलेंट मेरा आंसर आएगा सर 33। हां ठीक है 21+10, इसका बाबू क्या करेंगे, मान लो इसका निकाले सर 21 आया ना बाबू, है ना, अब इन दोनों का निकालो पेयर करके, तो 21+10 प्लस दोनों का सम है, दोनों का मल्टीप्लाई
बाई 100 सारा शैतान गलत की सर मेरा सही है सर अच्छा ठीक है ये हो गया 31 हो गया अब प्लस 10 से 10 कैंसिल और ये हो गया 2.1 हो गया बता बाबू ये 33.1 हो जाएगा सबका गलती है खाली आनंद का हाँ आनंद आपका सही है सारा का गलती है बाबू क्या पढ़ते हो सेवा माँ बाबू मोहित शैतान है मोहित नहीं सुनेगा सो गया होगा यस सर कहाँ है बाबू वीडियो कहाँ है बंद रहता है सर ऑन है सर ऑन है तो अंधेरा है बाबू यस सर समझ में आता है मोहित यस सर अच्छा ठीक है कल देखते टाइम मिलता है तो आके सोट लेते थोड़ा सा एक दो दो सर बिहार में नहीं है सर बिहार में नहीं हो कल तो ही भाग गया सकता प्रकाश सिंह ये प्रकाश सिंह देखो ना ये भी सूत गया एकदम वीडियो बंद रहने से ना बाबू अच्छा इसके पापा से बात करते कितना डाटा प्रकाश सिंह बाबू हाँ सर बोलिए ना सूत गया बाबू सो गया था नहीं लिख रहे लिख रहे हैं बता दो अभी प्रकाश सिंह बता दो बाबू कैडबरी टॉफी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू थर्ड नंबर जल्दी बताओ बाबू आप लोग को चुप रहना प्रकाश सिंह जल्दी बताना बाबू हम लोग को चुप रहना है सर हाँ आप लोग को चुप रहना बताओ प्रकाश सिंह कैडबरी टॉफी बाबू पहला साल 10% का इंक्रीमेंट सर दूसरे साल सर 10% का इंक्रीमेंट तीसरे साल सर 10% का इंक्रीमेंट और चौथे साल सर 10% का इंक्रीमेंट मैंने 4 times 10% का इंक्रीमेंट जल्दी बनाओ बाबू आ भी गया सर मेरा आ गया प्रकाश सिंह ऐसे कैसे बाबू कैसे ऐसे होगा सर आ गया आ गया वेरी गुड बाबू दिखाओ सौम्या दिखाओ शिवांगे ये सब शैतान है यहाँ दिखा रही है कितना है सौम्या 43 अरे सौम्या शैतान इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 43 आएगा खाली ऐड करना बाबू शैतान सौम्या ऐड कर दी है प्रभु बताए बनाए जानवी शर्मा बना बाबू सौरभ बाबू और नारायण जल्दी बना नारायण सर 46.4 बनाएगा श्रुति दिखा रही है सर बन गया सर देख लीजिए श्रुति इतना आ जाएगा बाबू 21 सर बन गया सर देख लीजिए सर मेरे में देख लीजिए सर इसको श्रुति को ऐड करने भी नहीं आता है देवा देवा शिवांगी दिखा रही है सर देखिए ना सर मेरा देखिए ना ठीक है शिवांगी आनंद दिखा रहा है ठीक है बाबू सर मेरा भी आ गया शिवांगी दिखा रही है ठीक है शिवांगी बाबू कहाँ दिखा शिवम बाबू आपका तो गलती आता है शिवम कहाँ है शिवम हमारा कहाँ हो शिवम बाबू किधर बैठा हुआ अच्छा कर रहे बाबू शिवांगी 374 आएगा नहीं बाबू उतना कैसे कहा दिमाग नहीं काम कर रहा बाबू नारायण यहाँ सौम्या है चलो ठीक है सौम्या 140 आएगा नहीं आएगा शिवम यहाँ था अभी अब के मिला था यहाँ शिवानी यहाँ चलो यहाँ श्रुति है यहाँ है शिवम चलो बहुत मुश्किल से मिला ठीक है शिवम बाबू वेरी गुड चलो अच्छी बात है श्रुति बाबू ऊपर कीजिए कॉपी श्रुति अरे शैतान श्रुति इसको तो ऐड देखो ना बराबर लिखी हे देवा हो देवा एकदम कच्चे खा जाएंगे दिखाओ धर्मवीर गलती बाबू श्रुति शैतान की है पहला इक्वल टू साइन लिखती है समझ ही में नहीं इसको आता है धर्मवीर बाबू जल्दी दिखाइए धर्मवीर सर नहीं बना अरे शैतान क्या है नहीं बन रहा बाबू मतलब ये गड़बड़ देखो बाबू हम फिर आपके पापा जी को बोल देंगे ठीक है ना कि इसका ज्यादा रिचार्ज करवाइए डाटा इसका डाटा ऑन रखना है नहीं तो बाबू ये अच्छा आपसे बाद में बात करते हैं कई मिनट है मैंने टाइम 2-4 मिनट नहीं तो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लीजिए फ्री में नहीं बना बाबू संजना बना बाबू सर हर महीना लेके निकलवाते रहेंगे तो बना सर सर होमवर्क दे दीजिए ना सर अरे ठीक है संजना बना बाबू यस सर ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आप पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से बना है ना हाँ बाबू ये 10-10 का बाबू किस लिए हो गया ना 46.31 आपसे कहा नहीं बना
सर हम लोग तो तीन का भी ले सकते हैं 33.5। देखो शांति से सुनो, दो मेथड है बाबू। ये 10 10 तीनों का इक्विवेलेंट निकाले कितना है सर, 31% आ गया। ये 10 10 10% का इक्विवेलेंट निकाले सर, तीन बार निकाले तो 10, ये 31 आया ना बाबू। और उसके साथ बाबू 10% कर दो, या एक तो ये तरीका बाबू, फॉर्मूला से बनाई ना, लास्ट परसेंट के हिसाब से नहीं बनाई है, ठीक है। नहीं तो बाबू ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दो, ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दो और ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दो। तो ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, 10 10% का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 21% आएगा। अभी ना बता बाबू, 10 10% का इक्विवेलेंट दोनों का सम, दोनों का मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इसका 10 10 का इक्विवेलेंट निकालो कितना आ जाएगा, 21% हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल दो, तो 21 का कितना हो जाएगा, तो 21 + 21 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 21 × 21 और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 21 कितना, 42 हो गया, और 21 कितना होता है, 441 होता है, डिवाइड बाई 100 होता है, तो कितना हो गया, 42 हो गया, अब प्लस कितना हो गया, 4.441 हो गया, तो 46.41 हो गया। समझा ना रहा सर, आप जो फॉर्मूला अभी बताए थे वो बस 2% के नंबर पर काम करता है। हाँ बाबू, 2% x बाई 2 है बाबू, तो 2 के ना काम करेगा सर, चारों को जोड़ दिए थे सर और फाइनल आंसर। नहीं 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 मेरे मुन्ना, नहीं नहीं उसे नहीं करते, गलती हो जाता है, ठीक है ना। ये दोनों का निकाल लो इक्विवेलेंट, ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो। समझा नारायण? हाँ सर समझ गए। चलो ठीक है, दो चार को बना के लाइएगा तो थोड़ा। तो ये सब डाटा डायरेक्ट याद रखना, ठीक है ना, डायरेक्ट याद रखना, इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे। देखो कौन भागा, प्रकाश सिंह भागा, प्रकाश से तो भागता नहीं प्रखर बाबू। अच्छा वो अपनी भागते को भागा कौन, शिवम बाबू म्यूट करो, शिवम बहुत साउंड आ रहा है बाबू, शिवम बाबू म्यूट करो, तो शिवम म्यूट कीजिए ना। चलो ठीक है, दीजिए ना होम वर्क। हाँ दे रहे हैं बाबू, कहा नहीं बना प्रकाश से, प्रकाश सिंह। हाँ सर, काहे नहीं बना बाबू, काहे से हो रहा बाबू बताओ। नेक्स्ट बाबू, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर बाबू, 20% है बाबू, इक्विवेलेंट टू 20%। फिफ्थ नंबर, 20% 20% और 20%। सिक्स नंबर, 20% इक्विवेलेंट 20% इक्विवेलेंट 20% और इक्विवेलेंट 20%। सेवन नंबर, ठीक है सर, आप सिर्फ 10% बाबू और 20% का इक्विवेलेंट निकालना, हमेशा सेम ही रहेगा। हाँ सर, इसमें सबका इंक्रीमेंट हुआ है ना डिक्रीमेंट हुआ है, सबका इंक्रीमेंट है बाबू, सबका इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट का बताएंगे, सारा 20% इंक्रीमेंट, सारा का सारा इंक्रीमेंट है, ये सिंबल है बाबू इंक्रीमेंट का, है ना। डिक्रीमेंट का बताएंगे, टेंशन मत लो, वो भी ना छोड़ेंगे, कुछ ना छोड़ेंगे, ठीक है ना। आई सब फेयर को सुंदर से रखना, मान लो बाबू, मान लो बाबू कभी, हाँ बाबू बोलिए, बोलो शिवम सर। एक फर्स्ट नंबर बनाएंगे, उसके बाद फर्स्ट नंबर का वैल्यू सेकंड नंबर पुट करके बना सकते हैं, दे दीजिए ना सर, कितना डर रहे हैं। हां बाबू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। और कितना दे हैं? नहीं दे रहे हैं शैतान सर, सही रहती है 5 15 को इसमें और निकाल लो, है ना बाबू, ये तो और कर लो, 20% कर लो। चलो बाबू, स्क्रीन शेयर भी करना पड़ेगा ना बाबू, मैं तो बीएचडी में होता नहीं। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। सर निकलते हैं। अगर स्क्रीन शेयर करने में एचडी में कैसे होता? अरे हम भी चलते सर, चलते हैं, बाय सर। अच्छा ठीक है बाबू। हाँ सर, धर्मवीर बाबू चल शाम को मिलते हैं सर। यस सर। बाबू देखो क्या है ना बाबू, धर्मवीर ये जो जियो का बाबू